आज का अफसाना मुंशी प्रेमचंद जी का पहली बार हिंदी में नया विवाह के शीर्षक से सरस्वती के मई अंक 1932 में शायद हुआ प्रकाशित हुआ था। उर्दू में यह अफसाना लाहौर मई के 1933 शुमारे में शायद हुआ। लीजिए पेश है मुंशी प्रेमचंद जी का अफसाना नया विवाह या नई बीवी। हमारा जिस्म पुराना है लेकिन इसमें हमेशा नया खून दौड़ता रहता है। इस नए खून पर जिंदगी कायम है। दुनिया के कदीम निज़ाम में यह नयापन इसके एक एक जर्रे में, एक एक टहनी में, एक एक कतरे में, तार में छुपे हुए नगमे की तरह गूंजता रहता है। और ये 100 साल की बुढ़िया आज भी नई दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नई शादी की है उनकी जवानी असर नौ अवत कराई है। जब पहली बीवी बाकायदे हयात थी वो बहुत कम घर रहते थे। सुबह से दस ग्यारह बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे, फिर खाना खाकर दुकान चले जाते। वहाँ से एक बजे रात को लौटते और थके मांदे सो जाते। अगर लीला कभी कहती कि ज़रा सवेरे आ जाया करो तो बिगड़ जाते। तुम्हारे लिए क्या दुकान बंद कर दूँ या रोज़गार छोड़ दूँ? ये वो ज़माना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी को खुश कर लिया जाए। आजकल लक्ष्मी जी की चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी खामोश हो जाती। अभी 6 महीने की बात है, लीला को जोर का बुखार था। लाला जी दुकान पर चलने लगे तो लीला ने डरते डरते कहा, देखो मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, ज़रा सवेरे आ जाना। लाला जी ने पगड़ी उतार कर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान ना जाऊँगा। लीला रंजीता होकर बोली, मैं ये कब कहती हूँ कि दुकान ना जाओ, मैं तो ज़रा सवेरे आ जाने को कहती हूँ, तो क्या मैं दुकान पर बैठा मौज करता हूँ? लीला कुछ ना बोली। शौहर की ये बेइत्नाही उसके लिए कोई नई बात ना थी। उधर कई दिन से उसका दिल दोस्त तजुर्बा हो रहा था कि इस घर में उसकी कदर नहीं है। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो उसका क्या कसूर था? किसी की जवानी हमेशा रहती है। लाजिम तो ये था कि 55 साल की रफाकत अब एक गहरे रूहानी ताल्लुक में तब्दील हो जाती, जो जाहिर से बेनियाज रहती, जो ऐब को भी हुस्न देखने लगती, जो पके फल की तरह ज़्यादा शीरी, ज़्यादा खुशनुमा हो जाती। लेकिन लाला जी का ताजिर दिल हर एक चीज़ को तिजारत के तराजू पर तोलता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती हो न बच्चे है, तो उसके लिए गौशाला से बेहतर कोई जगह नहीं। उनके ख्याल में लीला के लिए बस इतना ही काफ़ी था कि वो घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए पहने पड़ी रहे। उसे इख्तियार है चाहे जितने जेवर बनवाए, चाहे जितनी खैरात पूजा करे, रोज़े रखे, सिर्फ उनसे दूर रहे। फितरत इंसानी की नारंगियों का एक करिश्मा यह था कि लाला जिस दिलजोई और हिस्से से लीला को महरूम रखना चाहते थे, खुद उसी के लिए बड़ी सरगर्मी से तलाश में रहते थे। लीला 40 की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, मगर वो 45 के होकर अभी जवान थे। जवानी के वलवलों और मुसरतों से बेकरार लीला से अब तक उन्हें एक तरह की कराहियत होती थी। और वो गरीब जब अपनी खामियों के हसरतनाक एहसास की वजह से फितरी बहरहमियों के अजाले के लिए रंगो रोगन की आड़ लेती तो उसकी बुलहवसी से और भी मुतनफ़र हो जाते। चेखुश 7 लड़कों की तो माँ हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरे धुले हुए फलालीन की तरह पर शिकन हो गई, पुरशिकन हो गया, मगर आपको अभी महावर और सिंदूर और मेहंदी और उपटन की हवस बाकी है। औरतों की भी क्या फितरत है, न जाने क्यों आराइश पर इस कदर जान देती हैं। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए, क्यों नहीं दिल को समझा लेती कि जवानी रुखसत हो गई और इन तदबीरों से उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन वो खुद जवानी का ख्वाब देखते रहते। तबीयत जवानी से सैर न होती, जाड़ों में कुश्तों और माजूनों का इस्तेमाल करते रहते, हफ्ते में 2 बार खजाब लगाते और किसी डॉक्टर से बंदर के हुदूदों के इस्तेमाल से मुतालिक खतो किताबत कर रहे थे। लीला ने उन्हें शशोपंच की हालत में खड़ा देखकर मायूसन अंदाज से कहा, कुछ बतला सकते हो, कई बजे आओगे? लाला जी ने मुलायम लहजे में कहा, तुम्हारी तबीयत आज कैसी है? लीला क्या जवाब दे, अगर कहती है बहुत ख़राब है तो शायद ये हजरत यहीं बैठ जाए और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकालें। अगर कहती है अच्छी हूँ तो बेफिक्र होकर
दो तीन बजे रात की खबर लाएं। डरते डरते बोली, अब तक तो अच्छी थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही है, लेकिन तुम जाओ दुकान पर, लोग तुम्हारे मुंतजर होंगे, मगर ईश्वर के लिए एक दुगना बजा देना। लड़के सो जाते हैं, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, तबीयत घबराती है। शेर जी ने लहजे में मोहब्बत की चाशनी देकर कहा, 12 बजे तक आ जाऊंगा ज़रूर। लीला का चेहरा उतर गया, 10 बजे तक नहीं आ सकते, 11:30 से पहले किसी तरह नहीं आ सकता, 10:30 भी नहीं, अच्छा 11 बजे। 11 पर मसालत हो गई, लाला जी वादा करके चले गए, लेकिन शाम को एक दोस्त ने मुजरा सुनने की दावत दी। अब बेचारे इस दावत को कैसे रद्द करते, जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है तो ये कहाँ की इंसानियत है कि आप उसकी दावत ना मंजूर कर रहे हैं। वो आपसे कुछ मांगता नहीं, आपसे किसी तरह की रियायत का खासगार नहीं, महज दोस्ताना बेतकल्लुफी से आपको अपनी बस में शिरकत की दावत देता है। आप पर उसकी दावत कबूल करना ज़रूरी हो जाता है, घर के जंजाल से किसे फुर्सत है, एक ना एक काम तो रोज़ लगा ही रहता है, कभी कोई बीमार है, कभी मेहमान आए हैं, कभी पूजा है, कभी कुछ कभी कुछ। अगर आदमी ये सोचे कि घर से बेफिक्र होकर जाएंगे तो उसे सारे दोस्ताना मरासिम मुंतकिल कर लेने पड़ेंगे, उसे शायद ही घर से कभी फरागत नसीब हो। लाला जी मुजरा सुनने चले गए तो 2 बजे लौटे, आते ही अपने कमरे की घड़ी सुइयां पीछे कर दी, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा की गुंजाइश किसी तरह ना निकाल सके। 2 को 1 तो कह सकते हैं, घड़ी की तेज़ी के सर इल्ज़ाम रखा जा सकता है, लेकिन 2 को 12 नहीं कह सकते। चुपके से आकर नौकर को जगाया, खाना खाकर आए थे, अपने कमरे में जाकर लेट रहे। लीला उनकी राह देखती, हल्लामा दर्द और बेचैनी की बढ़ती हुई शिद्दत का एहसास करती, ना जाने कब सो गई थी। उसको जगाना सोए फितने को जगाना था। गरीब लीला इस बीमारी से जांबर ना हो सकी। लाला जी को उसकी वफात का बेहद रूहानी सदमा हुआ। दोस्तों ने ताज़ियत के तार भेजे, कई दिन ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा रहा। एक रोज़ाना अखबार ने मरने वाले की कसीदा खानी करते हुए उसकी दिमागी और इखलाकी खूबियों की मुबालगा आमेज तस्वीर खींची। लाला जी ने इन सब हमदर्दों का दिली शुक्रिया अदा किया और उनके खलूस और वफादारी का इजहार जन्नत नसीब लीला के नाम से लड़कियों के लिए 5 वजीफे कायम करने की सूरत में नमूदार हुआ। वो नहीं मरी साहब, मैं मर गया। ज़िंदगी की शमय हिदायत गुल हो गई, अब तो जीना और रोना है। मैं तो एक हकीर इंसान था, ना जाने किस कारे खैर के सिले में मुझे यह नेमत बारगाह ईज़दी से अता हुई थी। मैं तो उसकी परस्तिश करने के काबिल भी न था, वगैरह वगैरह। 6 महीने की अजलत और नफ्सकुशी के बाद लाला डंगामल ने दोस्तों के इसरार से दूसरी शादी कर ली। आखिर गरीब क्या करते, जिंदगी में एक रफ़ीक की ज़रूरत तो थी ही, और इस उम्र में तो रफ़ीक की ज़रूरत और ज़्यादा हो गई थी। लकड़ी की ज़रूरत तो जब ही होती है जब पाँव में खड़े होने की ताकत नहीं रहती। जब से नई बीवी आई है, लाला जी की ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ इनकलाब हो गया है। दुकान से अब उन्हें इस कदर इनहमाक नहीं है, मुतवातिर हफ्तों न जाने से भी उनके कारोबार में कोई हर्ज वाक़ नहीं होता। ज़िंदगी से लुत्फानंदोज़ होने की सलाहियत जो उनमें रोज़ बरोज़ मुजमहल होती जाती थी, अब ये तुरश पाकर फिर सरसब्ज़ हो गई है। उसमें नई नई कोपले फूटने लगी हैं, मोटर नया आ गया है, कमरे नए फर्नीचर से आरास्ता कर दिए गए हैं, नौकरों की तादाद में माकूल इजाफा हो गया है, रेडियो भी लगा दिया गया है। लाला जी की बूढ़ी जवानी जवानों से भी ज़्यादा पुरजोश और वलवला अंगेज़ हो रही है। उसी तरह जैसे बिजली की रोशनी चांद की रोशनी से ज़्यादा शफाफ और नज़र फरेब होती है। लाला जी को उनके अहबाब उनकी इस जवान तबाही पर मुबारकबाद देते हैं तो वो तफाखुर के अंदाज से कहते हैं, भाई हम तो हमेशा जवान रहे और हमेशा जवान रहेंगे। बुढ़ापा मेरे पास आए तो उसके मुंह पर स्याही लगाकर गधे पर उल्टा सवार करके शहर बदर कर दूं। जवानी और बुढ़ापे को लोग न जाने उम्र से क्यों मंसूब करते हैं। जवानी का उम्र से उतना ही ताल्लुक है जितना मज़हब का अखलाक से, रुपये का ईमानदारी से, हुस्न का आराइश से। आजकल के जवानों को आप जवान कहते हैं? अरे साहब, उनकी 1000 जवानियों को अपनी जवानी के 1 घंटे से ना तब्दील करूँ। मालूम होता है ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी ही नहीं, कोई शौक ही नहीं। ज़िंदगी क्या है, गले में पड़ा हुआ ढोल है? यही अल्फाज वो कुछ ज़रूरी तरमीम के बाद आशा देवी के लोहे दिल पर नक्श करते रहते हैं।
उससे हमेशा सिनेमा थिएटर सैरे दरिया के लिए इसरार करते हैं, लेकिन आशा ना जाने क्यों इन दिलचस्पियों से ज़रा भी मुतासर नहीं होती। वो जाती तो है मगर बहुत इसरार के बाद। एक दिन लाला जी ने कहा, चलो आज बजरे पर दरिया की सैर करें। बारिश के दिन थे, दरिया चढ़ा हुआ था, अबर की कतारें बैनुल अक्वामी फ़ौजों की सी रंग बिरंग वर्दियाँ पहने आसमान पर कवायद कर रही थी। सड़क पर लोग सड़कों पर लोग मल्हार और बारहमासे गाते चले जा रहे थे, बागों में झूले पड़ गए थे। आशा ने बेदिली से कहा, मेरा तो जी नहीं चाहता। लाला जी ने तादीब आमेज इसरार से कहा, तुम्हारी कैसी तबीयत है जो सैर व तफरी की जानिब माइल ही नहीं होती? आप जाएं, मुझे और कई काम करने हैं। काम करने को ईश्वर ने आदमी दे दिए हैं, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? तो महाराज अच्छा सालन नहीं पकाता, आप खाने बैठेंगे तो यूं ही उड़ जाएंगे। आशा अपनी फुर्सत का बेशतर हिस्सा लाला जी के लिए अनवाओ इकसाम के खाने पकाने में सर्व करती थी। किसी से सुन रखा था कि एक ख़ास उम्र के बाद मर्दों की ज़िंदगी की ख़ास दिलचस्पी लज्जत ज़बान रह जाती है। लाला जी के दिल की कली खिल गई। आशा को उनसे किस कदर मोहब्बत है कि वो सैर को उनकी खिदमत पर कुर्बान कर रही है। एक लीला थी कि कहीं जाऊँ, पीछे चलने को तैयार। पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता था, बहाने करने पड़ते थे, खामखा सर पर सवार हो जाती थी और सारा मज़ा किरकिरा कर देती थी। बोले, तुम्हारी भी अजीब तबीयत है, अगर एक दिन सालन बेमज़ा ही रहा तो ऐसा क्या, तूफान आ जाएगा। तुम इस तरह मेरे रईसाना चोशनों का लिहाज करती रहोगी तो मुझे बिल्कुल आराम तलब बना दोगी। अगर तुम ना चलोगी तो मैं भी ना जाऊँगा। आशा ने जैसे गले से फंदा छुड़ाते हुए कहा, आप भी तो मुझे इधर उधर घुमाकर मेरा मिजाज बिगाड़ देते हैं, ये आदत पड़ जाएगी तो घर के धंधे कौन करेगा? लाला जी ने फैयाजाना लहजे में कहा, मुझे घर के धंधों की जरा बराबर परवाह नहीं है, बाल की नोक बराबर भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा मिजाज बिगड़े और तुम इस घर की चक्की से दूर रहो। और तुम मुझे बार बार आप क्यों कहती हो? मैं चाहता हूँ तुम मुझे तुम कहो, मोहब्बत की गालियाँ दो, गुस्से की सलवातें सुनाओ, लेकिन तुम मुझे आप कहकर जैसे देवता के सिंहासन पर बिठा देती हो। मैं अपने घर में देवता नहीं, शरीर छोकरा बनकर रहना चाहता हूँ। आशा ने मुस्कराने की कोशिश करके कहा, अरे नौज, भला मैं आपको तुम कहूँगी? तुम बराबर वालों को कहा जाता है या बड़ों को? मुनीम जी ने एक लाख के घाटे की पुरमलाल खबर सुनाई होती तब भी लाला जी को शायद इतना सदमा ना होता जितना कि आशा के इन भोले भाले अल्फाज से हुआ। उनका सारा जोश सारा बलबला ठंडा पड़ गया, जैसे बर्फ़ की तरह मुंजमद हो गया। सर पर बाकी रखी हुई रंगीन फूलदार टोपी गले में पड़ी हुई जोगिया रंग की रेशमी चादर वो तंजेब का बेलदार कुर्ता जिसमें सोने के बटन लगे हुए थे, ये सारा ठाट जैसे मज़ा का खैस मालूम होने लगा, जैसे सारा नशा किसी मंत्र से उतर गया हो। दिल शिकस्ता होकर बोले, तो तुम्हें चलना है या नहीं? मेरा जी नहीं चाहता तो मैं भी ना जाऊँ। मैं आपको कब मना करती हूँ? फिर आप कहा, आशा ने जैसे अंदर से जोर लगा कहा, तुम, और उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। हाँ, इसी तरह तुम कहा करो, तो तुम नहीं चल रही हो। अगर मैं कहूँ कि तुम्हें चलना पड़ेगा तब चलूँगी। आपके हुक्म की पाबंदी मेरा फ़र्ज़ है। लाला जी हुक्म ना दे सके, फ़र्ज़ और हुक्म जैसे लफ्ज़ उनके कानों में खराशती होने लगी। खिसियाने होकर बाहर चले गए। उस वक्त आशा को उन पर रहम आ गया। बोली, तो कब तक लौटोगे? मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी चलती हूँ। जिस तरह कोई ज़िद्दी लड़का रोने के बाद अपनी मतलूबा चीज़ पाकर उसे पैरों से ठुकरा देता है, उसी तरह लाला जी ने रोना मुँह बनाकर कहा, तुम्हारा जी नहीं चाहता तो ना चलो, मैं मजबूर नहीं करता। आप नहीं, तुम बुरा मान जाओगे। आशा सैर करने गई लेकिन उमंग से नहीं। जो मामूली साड़ी पहने हुई थी वही पहने चल खड़ी हुई, ना कोई नफीस साड़ी, ना कोई जेवर, ना कोई सिंगार, जैसे बेवा हो। ऐसी ही बातों से लाला जी दिल में झुंझला उठते थे। शादी की थी जिंदगी का लुत्फ उठाने के लिए, झुलमिलाते हुए चिराग में तेल डालकर उसे रोशन करने के लिए। अगर चिराग की रोशनी तेज ना हुई तो तेल डालने से क्या फ़ायदा? ना जाने उसकी तबीयत क्यों इस कदर खुश और अफसुलदा है, जैसे कोई ओसर का दर्द हो
कि कितना ही पानी डालो उसमें हरी पत्तियों के दर्शन ही नहीं होते। जड़ाओं जेवरों के भरे हुए संदूक रखे हैं, कहाँ कहाँ से मंगवाए, दिल्ली से, कलकत्ते से, फ्रांस से, कैसी कैसी बेशकीमत साड़ियाँ रखी हुई हैं एक सैकड़ों मगर संदूक में कीड़ों की खुराक बनने के लिए। गरीब ख़ानदान की लड़कियों में यही ऐब होता है, उनकी निगाह हमेशा तंग रहती है, ना खा सकें, ना पहन सकें, ना दे सकें। उन्हें तो ख़जाना भी मिल जाए तो यही सोचती रहेंगी कि भला इसे खर्च कैसे करें। दरिया की सैर तो हुई मगर लुत्फ कुछ ना आया। कई माह तक आशा की तबीयत को उभारने की नाकाम कोशिश करके लाला जी ने समझ लिया कि ये मुहर्रम की पैदाइश है, लेकिन फिर भी बराबर मश्क जारी रखी। इस व्यापार में एक खतीर रकम सर्व करने के बाद वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठाने के ताजराना तकाजे को कैसे नज़रअंदाज करते। दिलचस्पी की नई नई सूरतें पैदा की जाती। ग्रामाफोन अगर बिगड़ गया है, गाता नहीं या आवाज़ साफ नहीं निकालता तो उसकी मरम्मत करानी पड़ेगी, उसे उठाकर रख देना ये तो हमाकत है। उधर बूढ़ा महराज बीमार होकर चला गया था और उसकी जगह उसका 16-17 साल का लड़का आ गया था। कुछ अजीब मसखरा सा था, बिल्कुल उजड़ और किसानी, कोई बात ही ना समझता। उसके फुलके अकलीदस की शक्लों से भी ज़्यादा मुख्तलिफ शक्ल होते आते, बीच में मोटे, किनारे पतले, दाल कभी तो इतनी पतली जैसे चाय और कभी इतनी गाढ़ी जैसे दही, कभी नमक इतना कम कि बिल्कुल फीका, कभी तो इतना तेज कि नींबू का नमकीन अचार। आशा सवेरे से ही रसोई में पहुंच जाती और उस बसीले के महराज को खाना पकाना सिखाती। तुम कितने नालायक आदमी हो जुगल, इतनी उम्र तक तुम क्या घास खोदते रहे या भाड़ झोंकते रहे कि फुलके तक नहीं बना सकते। जुगल आंखों में आंसू भरकर कहता, बहू जी अभी मेरी उम्र ही क्या है, 17वां ही साल तो है। आशा हंस पड़ी, तो रोटियां पकाना क्या 10-20 साल में आता है। आप एक महीना सिखा दें बहू जी, फिर देखना मैं आपको कैसे फुलके खिलाता हूँ कि जी खुश हो जाए। जिस दिन मुझे फुलके बनाने आ जाएंगे मैं आपसे कोई इनाम लूँगा। सालन तो अब मैं कुछ पकाने लगा हूँ ना। आशा हौसला अफजा तबस्सुम से बोली, सालन नहीं, वो पकाना आता है, अभी कल ही नमक इतना तेज था कि खाया ना गया। मैं जब सालन बना रहा था तो आप यहाँ कब थी? अच्छा, तो जब मैं यहाँ बैठी रहूँ तब तुम्हारा सालन लजीज पकेगा। आप बैठी रहती हैं तो मेरी अकल ठिकाने रहती है, और मैं नहीं रहती तब तो आपके कमरे के दरवाजे पर जा बैठती है। तुम्हारे दादा आ जाएंगे तो तुम चले जाओगे। नहीं बाबू जी, किसी और काम में लगा दीजिएगा, मुझे मोटर चलवाना सिखवा दीजिएगा। नहीं नहीं, आप हट जाइए, मैं पतीली उतार लूँगा। ऐसी अच्छी साड़ी है आपकी, कहीं दाग लग जाए तो क्या हो। दूर हो फुअड़ तो तुम ही हो, कहीं पतीली पैर पर गिर पड़े तो महीनों झेलोगे। जुगल अफसरदा हो गया, नहीं चेहरा और भी खुश्क हो गया। आशा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों मुँह क्यों लटक गया सरकार का? आप डांट देती हैं बहू जी तो मेरा दिल टूट जाता है। सेठ जी कितना ही घुड़की दें मुझे ज़रा भी सदमा नहीं होता, आपकी नज़र कड़ी देखकर जैसे मेरा खून सर्द हो जाता है। आशा ने तशफ़ी दी, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती, सिर्फ इतना ही कहा कि कहीं पतीली तुम्हारे पाँव पर गिर पड़े तो क्या होगा। हाथ तो आपका भी है, कहीं आपके हाथ से ही छूट पड़े तो। सेठ जी ने रसोई के दरवाजे पर आकर कहा, आशा ज़रा यहाँ आना, देखो तुम्हारे लिए कितने खुशनुमा गमले लाया हूँ, तुम्हारे कमरे के सामने रखे जाएंगे। तुम वहाँ धुएं थक्कड़ में क्या परेशान हो रही हो, लौंडे को कह दो कि महराज को बुलाए, वरना मैं दूसरा इंतज़ाम कर लूँगा। महराज की कमी नहीं है, आखिर कब तक कोई रियायत करे, इस गधे को ज़रा भी तो तमीज़ ना आई। सुनता है जुगल, आज लिख दे अपने बाप को। चूल्हे पर तवा रखा हुआ था, आशा रोटियाँ बेल रही थी, जुगल तवे को लिए रोटियों का इंतज़ार कर रहा था। ऐसी हालत में वो भला वो कैसे गमले देखने जाती। कहने लगी, अभी आती हूँ, ज़रा रोटी बेल रही हूँ, छोड़ दूंगी तो जुगल टेढ़ी मेढ़ी कर बेलेगा। लाला जी ने कुछ चिढ़कर कहा, अगर रोटियाँ टेढ़ी मेढ़ी बेलेगा तो निकाल दिया जाएगा। आशा अनसुनी करके बोली, 10-5 दिन में सीख जाएगा, निकालने की क्या ज़रूरत है। तुम चलकर बता दो गमले कहाँ रखे जाएंगे। कहती हूँ रोटियाँ बेलकर आ ही जाती हूँ। नहीं, मैं कहता हूँ तुम रोटियाँ मत बेलो, तुम खामखा जिद करते हो। लाला जी सन्नाटे में आ गए। आशा ने कभी इतनी बेल्तफाती से उन्हें जवाब ना दिया था, और ये महज बेल्तफाती ना थी, उसमें तुरशी भी थी। खफीफ होकर चले गए। उन्हें गुस्सा ऐसा आ रहा था कि उन गमलों को तोड़कर फेंक दें
और सारे पौधों को चूल्हे में डाल दें। जुगल ने सहमे हुए लहजे में कहा, आप चली जाती बहू जी, सरकार नाराज होंगे। बको मत, जल्दी 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 रोटियां सेको, नहीं तो निकाल दिए जाओगे। और आज मुझसे रुपए लेकर अपने लिए कपड़े बनवा लो, भिखमंगों की सूरत बनाए घूमते हो। और बाल क्यों इतने बड़ा रखे हैं, तुम्हें नाई भी नहीं जुड़ता? कपड़े बनवा लो तो दादा को क्या हिसाब दूंगा? अरे बेवकूफ, मैं हिसाब में नहीं देने को कहती, मुझसे ले जाना। आप बनवाएंगी तो अच्छे कपड़े लूंगा मैं, खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, रेशमी चादर और अच्छा सा चप्पल। आशा ने मिठास भरे तबस्सुम से कहा, और अगर अपने दाम से बनवाना पड़े तो? तब कपड़े बनवाऊंगा ही नहीं, बड़े चालाक हो तुम। आदमी अपने घर पर रुखी रोटी खाकर सो रहता है, लेकिन दावत में अच्छे अच्छे पकवान ही खाता है, ये सब मैं नहीं जानती। एक गाढ़े का कुर्ता बनवा लो और एक टोपी, हजामत के लिए दो आने पैसे ले लो। रहने दीजिए, मैं नहीं लेता, अच्छे कपड़े पहनकर निकलूंगा तो आपकी याद आएगी। सड़ियल कपड़े हुए तो जीजे लेगा। तुम बड़े खुदगर्ज हो, मुफ्त के कपड़े लोगे और आला दर्जे के। जब यहाँ से जाने लगूंगा तो आप मुझे अपनी तस्वीर दे दीजिएगा। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे? अपनी कोठरी में लगा दूंगा और देखा करूंगा। बस वही साड़ी पहनकर खिंचवाना जो कल पहनी थी, और वही मोतियों वाली माला भी। वही मोती वाली माला भी हो, मुझे नंगी नंगी सूरत अच्छी नहीं लगती। आपके पास तो बहुत से गहने होंगे, आप पहनती क्यों नहीं? तो तुम्हें गहने अच्छे लगते हैं बहुत। लाला जी ने खिफत आमेज लहजे में कहा, अभी तक तुम्हारी रोटियां नहीं पकी। जुगल, अगर कल से तुमने अपने आप अच्छी रोटियां ना बनाई तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। आशा ने फौरन हाथ धोए और बड़ी मुसरत आमेज तेजी से लाला जी के साथ जाकर गमलों को देखने लगी। आज उसके चेहरे पर गैर मामूली शगुफ्तगी नजर आ रही थी, उसके अंदाजे गुफ्तगू में भी दिलावेश शीरीनी थी। लाला जी की सारी खिफत गायब हो गई। आज उसकी बातें जबान से नहीं दिल से निकलती हुई मालूम हो रही थी। बोली, मैं इनमें से कोई गमला ना जाने दूँ, सब मेरे कमरे के सामने रखवाना। सब कितने सुंदर पौधे हैं, वाह, इनके हिंदी नाम भी बता देना। लाला जी ने छेड़ा, सब लेकर क्या करूँगी? 10-5 पसंद कर लो, बाकी बाहर बागीचे में रखवा दूंगा। जी नहीं, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगी, सब यहीं रखे जाएंगे। बड़ी हरीस हो तुम, हरीस सही, मैं आपको एक भी ना दूंगी। 10-5 तो दे दो, इतनी मेहनत से लाया हूँ। जी नहीं, इनमें से एक भी ना मिलेगा। दूसरे दिन आशा ने अपने को जेवरों से खूब आरास्ता किया और फिरोजी साड़ी पहनकर निकली तो लाला जी की आंखों में नूर आ गया। अब उनकी आशिकाना दिलजोइयों का कुछ असर हो रहा है, वरना उनके बार बार तकाजा करने पर, मिन्नत करने पर भी उसने कोई जेवर ना पहना था। कभी कभी मोतियों का हार गले में डाल लेती थी, वो भी बेदिली से। आज उन जेवरों से मुरासा होकर वो फूली नहीं समाती, इतराती जाती है, गोया कहती है, देखो मैं कितनी हसीन हूँ, पहले जो कली थी वो आज खिल गई है। लाला साहब पर घड़ों का नशा चढ़ा हुआ था, वो चाहते हैं उनका अहबाब और आजा आकर उस सोने की रानी के दीदार से अपनी आँखें रोशन करें, देखें कि उनकी ज़िंदगी कितनी पुरलुत्फ है। जो अनवाव शाम के शकूक दुश्मनों के दिलों में पैदा हुए थे, आंखें खोलकर देखें कि एतमाद, रवादारी और फरासत ने कितना खुलूस पैदा किया कर दिया है। उन्होंने तजवीज़ की, चलो कहीं सैर करें, बड़ी मज़ेदार हवा चल रही है। आशा वो उस वक्त कैसे आ सकती है, अभी उसे रसोई जाना है, वहाँ से कहीं 12-1 बजे तक फुर्सत मिलेगी, फिर घर के काम धंधे सर पर सवार हो जाएंगे, उसे कहाँ फुर्सत है। फिर कल से उसे कलेजे में कुछ दर्द भी हो रहा है, रहरे का दर्द उठता है, और ऐसा दर्द कभी ना होता था, रात ना जाने क्यों दर्द होने लगा। सेठ जी एक बात सोचकर दिली दिल में फूल उठे, वो गोलियां रंग ला रही हैं, राजवैद्य ने आखिर कहा भी था कि ज़रा सोच समझकर इस्तेमाल कीजिएगा, क्यों ना हो, ख़ानदानी वैद्य है, उसका बाप महाराजा बनारस का मालिश था, पुराने मुजर्रब नुस्खे हैं उसके पास। चेहरे पर सरासमी का रंग भरकर पूछा, तो रात ही से दर्द हो रहा है, तुमने मुझसे कहा नहीं, वरना मैं जी से कोई दवा मंगवा देता। मैंने समझा था कि आप ही आप अच्छा हो जाएगा, मगर अब बढ़ रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, ज़रा देखूँ तो, कुछ आमास तो नहीं है। सेठ जी ने आशा के आंचल की तरफ हाथ बढ़ा दिया। आशा ने शर्मा का सर झुका लिया और बोली, यही तुम्हारी शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती, जाकर कोई दवा ला दो। सेठ जी अपनी जवान मर्दी का ये डिप्लोमा पाकर उससे कहीं ज़्यादा महजूज हुए जितना शायद राय बहादुरी का खिताब पाकर होते। अपने इस कार्य नुमाया की दाद लिए बगैर उन्हें कैसे चैन आता। जो लोग उनकी शादी से मुतालिक शुभ आमेर सरगोशियाँ करते थे, उन्हें जिक्र
देने का कितना नादिर मौका हाथ आया है। पहले पंडित भोलानाथ के घर पहुँचे और बाले दर्दमंद बोले, मैं भी भाई सख्त मुसीबत में मुबतला हो गया, कल से उनके सीने में दर्द हो रहा है, कुछ अकल काम नहीं करती, कहती हैं ऐसा दर्द पहले कभी नहीं हुआ था। भोलानाथ ने कुछ ज़्यादा हमदर्दी का इजहार नहीं किया, बोले हवा लग गई होगी और क्या। शेर जी ने उनसे इख्तलाफ किया, पंडित जी हवा का फसाद नहीं है, कोई अंदरूनी शिकायत है, अभी कम सिन है ना, राजवैद्य से कोई दवा ले लेता हूँ। मैं तो समझता हूँ आप ही आप अच्छा हो जाएगा, आप बात नहीं समझते, यही आप में नुक्स है, आपका जो ख्याल है वो बिल्कुल गलत है, मगर खैर दवा ला कर दीजिए और अपने लिए भी दवा लेते आइएगा। सेठ यहाँ से उठकर अपने दूसरे दोस्त लाला फागमल के पास पहुँचे और उनसे भी करीब उन्हीं अल्फाज में पुरमलाल खबर कही। फागमल बड़ा शोहदा था, मुस्कुराकर बोला, मुझे तो आपकी शरारत मालूम होती है। सेठ जी की बातें खिल गई, मैं अपना दुख सुना रहा हूँ और तुम्हें मजाक सोचता है, ज़रा भी इंसानियत नहीं है तुम्हें, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भला हमें मजाक की क्या बात, भला इसमें मजाक की क्या बात है, वो हैं कमसिन नाजुक अंदाम, आप ठहरे आजमूदाकार मर्द आप ठहरे आजमूदाकार मर्द मैदान, बस अगर ये बात ना निकले तो मुझे मुड़वा लूँ। सेठ जी ने मतीन सूरत बनाई, मैं तो भाई बड़ी एहतियात करता हूँ तुम्हारे सर की कसम। जी रहने दीजिए, मेरी सर की कसम ना खाइए, मेरे भी बाल बच्चे हैं, घर का अकेला आदमी हूँ, किसी काते दवा का इस्तेमाल कीजिए, उन्हें राजवैद्य से कोई दवा लेता हूँ, उसकी दवा वैद्यराज के पास नहीं आपके पास है। सेठ जी की आंखों में नूर आ गया, शबाब का एहसास पैदा हुआ और उसके साथ चेहरे पर भी शबाब की झलक आ गई, सीना जैसे कुछ फराख हो गया, चलते वक्त उनके पैर कुछ ज़्यादा मजबूती से ज़मीन पर पड़ने लगे और ये सर की टोपी भी खुदा जाने क्यों कज हो गई। बुशरे से एक एक बाघपन की शान बरस रही थी। राजवैद्य ने मिजदे जाफिजा सुनाया तो बोले मैंने कहा था ज़रा सोच समझ कर इन गोलियों का इस्तेमाल कीजिएगा, आपने मेरी हिदायत पर तवज्जो न की, ज़रा महीने दो महीने उनका इस्तेमाल कीजिए और परहेज के साथ रहिए, फिर देखिए इनका एजाज, अब गोलियाँ बहुत कम रही हैं, लूट मची रहती है, लेकिन इनका बनाना इतना मुश्किल और वक्त तलब है कि एक बार ख़त्म हो जाने पर महीनों तैयारी में लग जाते हैं, हज़ारों बूटियाँ हैं, कैलाश नेपाल और तिब्बत से मंगानी पड़ती हैं और उसका बनाना तो आप जानते हैं कितना, लोहे के चने चबाना, आप एहतियातन एक शीशी लेते जाइए। जुगल ने आशा को सर से पांव तक जगमगाते देखकर कहा, बस बहू जी आप इसी तरह पहने ओढ़े रहा करें, आज मैं आपको चूल्हे के पास ना आने दूंगा। आशा ने शरारत आमेज नजरों से देखकर कहा, क्यों आज ये सख्ती क्यों, कई दिन तो तुमने मना नहीं किया, आज की बात दूसरी है, ज़रा सुनूँ तो क्या बात है, मैं डरता हूँ कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। नहीं नहीं कहो मैं नाराज़ ना होंगी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। लाला डंगामल ने सैकड़ों ही बार आशा के हुस्न अंदाज की तारीफ़ की थी, मगर उनकी तारीफ़ में उसे तसन्नो की बू आती थी, वो अल्फाज उनके मुँह से कुछ इस तरह से लगते थे जैसे कोई हिजड़ा तलवार लेकर चले। जुगल के इन अल्फाज में एक कैफ था, एक सुरूर था, एक हेजान था, एक इस्तराब था, आशा के सारे जिस्म में राशा आ गया, आंखों में जैसे नशा छा जाए। तुम मुझे नज़र लगा दोगे, इस तरह क्यों घूरते हो, जब यहाँ से चला जाऊँगा तो आपकी बहुत याद आएगी, रोटी बनाकर तुम क्या करते हो, दिखाई नहीं देते, सरकार रहते हैं इसलिए नहीं आता, फिर अब तो मुझे जवाब मिल रहा है, देखिए भगवान कहाँ ले जाते हैं। आशा का चेहरा सुर्ख हो गया, कौन तुम्हें जवाब देता है, सरकार ही तो कहते हैं तुझे निकाल दूंगा, अपना काम किए जाओ, कोई नहीं निकालेगा, अब तो तुम रोटियां भी अच्छी बनाने लगे। सरकार हैं बड़े गुस्सा हुआ, दो चार दिन में उनका मिजाज ठीक किए देती हूँ, आपके साथ चलते हैं तो जैसे आपके बाप लगते हैं, तुम बड़े बदमाश हो, खबरदार जबान संभाल कर बातें करो, मगर खफी का ये पर्दा उसके दिल का राज ना छुपा सका, वो रोशनी की तरह उसके अंदर से बाहर निकला पड़ता था। जुगल ने उसी बेबाकी से कहा, मेरी जबान कोई बंद कर ले, यहाँ तो सभी कहते हैं मेरा ब्याह कोई 50 साल की बुढ़िया से कर दे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊँ, या खुद जहर खा लूँ या उसे जहर देकर मार डालूँ, फांसी ही तो होगी। आशा मसनूई गुस्सा कायम ना रख सकी, जुगल ने उसके दिल के तारों पर एक मिजराब की एक ऐसी चोट मारी थी कि उसके बहुत मजबूत करने पर भी दर्द दिल बाहर निकल ही आया। किस्मत भी तो कोई चीज़ है, ऐसी किस्मत जाए जहन्नुम में, तुम्हारी शादी किसी बुढ़िया से करूँगी देख लेना, तो मैं भी जहर खा लूँगा देख लीजिएगा, क्यों बुढ़िया तुम्हें जवान से ज़्यादा प्यार करेगी,
ज़्यादा खिदमत करेगी, तुम्हें सीधे रास्ते पर रखेगी। ये सब माँ का काम है, बीवी जिस काम के लिए है उसी के लिए है। आखिर बीवी किस काम के लिए है? आप मालिक हैं, नहीं तो बतला देता किस काम के लिए है। मोटर की आवाज़ आई, न जाने कैसे आशा के सर का आँचल खिसक कर कंधे पर आ गया था। उसने जल्दी से आँचल सर पर खींच लिया और ये कहती हुई अपने कमरे की तरफ चली, लाला खाना खाकर चले जाएंगे, तुम ज़रा आ जाना।